स्ट्रेट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में सर्वोदय मंडल के नेता एवं अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह ने भू माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई ना की गई तो कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा। पीड़ितों के साथ अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम संजय कुमार सिंह को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्होंने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में मामले की जांच कराने की मांग की। जांच न होने पर कलेक्ट्रेट में ही धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। डीएम को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित देवेंद्र नेत्रपाल मनजीत सिंह ने कहा कि कादरी गेट से लकुला मार्ग पर पुश्तैनी जमीन है। पीड़ितों का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व भू माफियाओं ने जमीन पर कब्जा करने के बाद विक्रय कर दिया है। पीड़ितों ने कहा कि साल 1985 में शिव सहकारी आवास समिति में उनकी जमीन शामिल कर ली गई थी। समिति से जुड़े हुए लोगों ने अपने नाम जमीन का बंदरबांट किया। सर्वोदय मंडल के नेता एवं अधिवक्ता ने बताया कि टीम ने 8 से 10 दिन की जांच का आश्वासन दिया है। जांच और कार्रवाई सही न होने पर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठकर धरना देंगे। स्ट्रीट बस के लिए फरुखाबाद से रवि नंदन की रिपोर्ट। और चाहे वो भूमि नहीं का है, ऐसा है देश राज सिंह और बादाम सिंह सगे दो भाई हैं। इनकी देश कीमती करोड़ों की जमीन अल्लाह नगर और बड़पुर ऑन रोड पड़ी हुई है। आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। पूर्वजों के मरने के बाद भू माफियाओं ने आपस में साथ जांच के लिए मैंने काफी दी, जिससे जांच आ जाए। जांच के आधार पर या तो FIR कराएंगे या फिर जांच के आधार पर कोर्ट बुलाएंगे। यह मसला है इसमें, ये बहुत बड़ा रैकेट है। कादरी गेट से जैसे लकुला के लिए जाते हैं, हम रोड पड़ी हुई जगह है, इसमें सब बैनामा फर्जी हुए हैं। साहब ने भी कहा कि साक्ष्य दीजिए तो साक्ष्य कल दे देंगे, बैनामा वगैरह जाँच हो। क्या आश्वासन दिया अभी हमारे काम में? आप सब लोग जानते हैं आश्वासन से काम नहीं चलता। अगर आश्वासन पर होगा तो हम ये बात कह के आ रहे हैं कि हम अनशन यही करेंगे, बैठ वहाँ नहीं जाएंगे। धरना स्थल पर लक्ष्मण सिंह नहीं आएंगे, हमारी बपौती है, यहीं बैठेंगे। इसलिए निष्पक्ष जांच 7 दिन 10 दिन में करा दे, आगे की देखी जाए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।